गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त काम्या। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। आज की ब्यूटी टिप्स से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ, अगर आप में सर्दियों के मौसम में धूप में बहुत ज़्यादा बैठते हैं, आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल लगती है, ड्राई लगती है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सूखी बेजान लगती है, कोई भी चमक नहीं होती है, बिल्कुल भी ग्लो नहीं होता है, बिल्कुल भी शाइन नहीं होता है, आपका चेहरा विंटर की वजह से बहुत ज़्यादा काला हो जाता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा आज जो मैं ये लेके आई हूँ ब्यूटी टिप्स। आज जो मैं ये पैक लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, 100% नेचुरल है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आपकी स्किन को लाइट, ब्राइट, ग्लोइंग, स्मूथ, सॉफ्ट बनाएगा, विंटर की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, ड्राइनेस को दूर करेगा। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज हो गई है उसे भी ये टाइट करेगा। आपकी स्किन को ये यूथफुल यंग ग्लास स्किन बनाएगा। ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत ही अच्छा बेस्ट फेस पैक है। आइए देख लेते हैं इस फेस पैक को आपको बनाना कैसे है। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। और हाँ, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे मोटिवेट करती है ऐसी इंटरेस्टिंग हेल्पफुल वीडियो बनाने के लिए। जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। चलती हूँ मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेती हूँ। इस पैक को बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक क्लीन बाउल लेनी है, उसके बाद हमें आधा चम्मच हनी लेना है। हनी हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। हनी हमारी स्किन को ग्लोइंग, सॉफ्ट बनाता है, मॉइस्चराइज करता है, ये मॉइस्चर को लॉक करता है, तो हनी हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके बाद हमें एक चम्मच एलोवेरा जेल लेना है। एलोवेरा में मल्टी विटामिन्स पाए जाती हैं, साथ ही साथ ये हमारी स्किन को सॉफ्ट, मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है, ये हमारी स्किन पे नेचुरल ग्लो देता है, हमारी स्किन की रंगत को भी निखारता है। अब इसके बाद हमें एक चम्मच ग्लिसरीन लेना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप यहाँ पे 5 to 6 ड्रॉप ही ग्लिसरीन की लेंगे। ग्लिसरीन हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है, साथ ही साथ ये ड्राइनेस को दूर करता है, हमारी स्किन पर ये एक नमी लाता है और डेड सेल्स की लेयर को ये बाहर निकालता है। अब इसके बाद हमें आधा चम्मच चावल का आटा लेना है। चावल का आटा हमारी स्किन की रंगत को निखारता है, डेड सेल्स की लेयर को ये बाहर निकालता है, ये हमारी स्किन से ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है, साथ ही साथ एक अच्छा स्क्रबिंग का काम करता है। अब इसके बाद हमें एक चम्मच बेसन लेना है। बेसन हमारी स्किन की रंगत को निखारता है, डेड सेल्स की लेयर को ये रिमूव करता है और दाग धब्बे को भी हटाता है, ऑयल को कंट्रोल करता है। अब इसके बाद हमें एक चम्मच लाल मसूर दाल का पाउडर लेना है। मसूर की दाल में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, साथ ही साथ विटामिन बी पाया जाता है, जो कि हमारे स्किन से रिंकल्स, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ये हमारे स्किन से दाग धब्बे को रिमूव करता है, हमारी स्किन को ग्लोइंग, चमकदार बनाता है, हमारी स्किन की रंगत को भी ये निखारता है, चूड़िया झाइयों की प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व करता है। अब इन सभी चीज़ों को हमें मिला लेना है और फिर इसके बाद हमें 1 to 1.5 चम्मच रॉ मिल्क लेना है। अगर आपके पास रॉ मिल्क नहीं है तो आप बॉयल दूध भी ले सकते हैं। कच्चे दूध में ब्लीचिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, साथ ही साथ इसमें लैक्टिक एसिड होता है, जो कि हमारे स्किन को ग्लोइंग, चमकदार, सॉफ्ट, मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है, ये हमारे स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिला लेना है, ये पेस्ट बन के हो जाएगा पूरी तरह से रेडी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसे लगाना कैसे है। इस पैक को लगाने के लिए सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है, अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद आपको इस पैक को अपने पूरे फेस पे आपको लगा लेना है। 3 to 4 मिनट के लिए इस पैक से आपको अच्छे से अपने फेस पे अच्छे से स्क्रबिंग करनी है। फिर उसके बाद आपको अपने पूरे फेस पे आपको इस पैक को लगा लेना है। फिर 15 मिनट तक अपने फेस पे आपको लगा रहने देना है। ये पैक पूरी तरह से जब ड्राई हो जाएगा फिर आपको नॉर्मल पानी से अपने फेस को अच्छे से धुल लेना, अच्छे से साफ कर लेना है। फिर आप देख पाएंगे आपकी स्किन पहले से ज़्यादा लाइट, ब्राइट, ग्लोइंग, स्मूथ, सॉफ्ट नज़र आएगी, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी, ड्राइनेस आपकी स्किन से दूर हो जाएगी। इस पैक को आप हफ्ते में 2 बार लगाएं, विंटर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद आप कोई भी अच्छी सी मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा सकते हैं, या अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप एलोवेरा जेल या बादाम का तेल, जैतून का तेल अपने फेस पे आप लगा सकते हैं।
अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप अपने फेस पे रोज़ वाटर लगा सकते हैं। फिर आप देख पाएंगे जो आपके फेस पे बहुत ज़्यादा डेड स्किन सेल्स की लेयर जम गई थी, आपके फेस पे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपका फेस ड्राई नहीं लगेगा, रूखा बेजान नहीं लगेगा, आपके चेहरे पे एक नई चमक रहेगी और सॉफ्ट रहेगा चेहरा आपका। डर की आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी इस फेस पैक से। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इंटरेस्टिंग हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। जैसे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँगी इसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वैसे ही मेरे वीडियो ट्राई करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।